नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे हेयर स्ट्रेटनिंग की घरेलू विधि के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। स्ट्रेटनिंग की जरूरत कुछ खास परिस्थितियों में होती है, जैसे एक, जब बाल धुंधले हों पर आपको सीधे बाल पसंद हों, दो, बाल जड़ों से सीधे हों परंतु नीचे की तरफ धुंधले हों, तीन, परमिक विधि द्वारा धुंधले कर दिए हों परंतु आप फिर से सीधा करना चाहते हों, चार, जब फैशन में बदलाव आने लगे। हेयर स्ट्रेटनिंग की विधि। हेयर स्ट्रेटनिंग सिर्फ हेयर क्लिनिक में ही करवाना चाहिए। यह विधि स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार से की जा सकती है। स्थायी तकनीक में ब्लो ड्राई विधि का प्रयोग होता है, जहां हेयर ड्रायर द्वारा बालों को गीला कर व मूस का प्रयोग करके सीधा किया जाता है। मूस एक प्रकार का शेविंग क्रीम के झाग जैसा दिखने वाला हेयर सेटिंग में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ होता है। इसे बालों में अच्छी तरह से लगाने के लिए कंघी के ऊपर रखकर पूरे बालों में लगा दे, यह पानी जैसा हो जाएगा। किसी भी खास मौकों पर जाने के लिए अक्सर लोग इस विधि का प्रयोग करते हैं। स्थायी स्ट्रेटनिंग को अति सावधानी पूर्वक किया जाता है। इसकी दो विधियां हैं। एक, पहली विधि के अनुसार बालों में हेयर स्ट्रेटनिंग लोशन लगाकर कंघे से बालों को सीधा किया जाता है, जिससे रसायन बालों की जड़ों को कमजोर बना देता है। फलस्वरूप बहुत सारे बाल टूटकर गिर जाते हैं और बाल भी पूरी तरह सीधे नहीं हो पाते। दो, दूसरी विधि, यह सुरक्षित विधि होती है, हेयर स्ट्रेटनिंग बोर्ड द्वारा बाल सीधे करने की। यहाँ भी रसायनों को मैदे के साथ खास प्रकार का मैदा, जो इसी उपयोग के लिए बनता है, मिलाकर लगाते हैं व बालों को बोर्ड के ऊपर रखते हैं। इस विधि में बालों को नुकसान नहीं पहुंचता और न ही बाल टूटते व कमजोर होते हैं का जरा भी अतिरिक्त प्रभाव बालों पर ना पड़े व बाल चकमदार, रेशमी व मुलायम दिखे। इसके लिए बालों में आयुर्वेदिक हेयर लेप लगाना न भूलें। यह लेप आपके बालों को अतिरिक्त पौष्टिकता प्रदान कर उनकी जड़ें मजबूत बनाएगा व रसायनों के प्रयोग से बालों की क्षति होने से बचाएगा। आज परमिंग व स्ट्रेटनिंग एक सुरक्षित व खूबसूरत हेयर डिजाइनिंग है। घरेलू आयुर्वेदिक लेप बनाने की विधि। एक, एक बड़ा कप गाढ़ा दही। दो, दो अंडे। तीन, दो टेबल स्पून कैस्टर ऑयल। चार, दो टेबल स्पून शिकाकाई पाउडर। पाँच, दो टेबल स्पून जासवंती पाउडर। छह, एक कप मेहंदी। उपरोक्त सभी सामग्री मिला लें। आवश्यकतानुसार पानी मिलाकर पेस्ट बना लें। यह लेप पूरे बालों में लगाकर दो घंटे रखें व सिर को धो डालें। तत्पश्चात कंडीशनर लगाएं। उपरोक्त लेप सप्ताह में एक बार हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद लगाने से आपके बाल सदैव चमकते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।